अब मैं बताऊं आपको, मैंने साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए आपको बात बताई, आगे और इंटरेस्टिंग बातें हैं। बहुत सारे नौजवान हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, एसएससी के अंदर भी ये कोर्स के अंदर ये बातें जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके कोर्स में मिलेंगी आपको, और फिर अब जाके जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा जो मैं समझा रहा हूँ। फिज़िक्स के ये जो फॉर्मूले हैं, जाबते हैं, वो शायद क्लास में उतने क्लियर नहीं होंगे जितने इस क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सुनना चाहेंगे जी? अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना आपने? फादर ऑफ फिज़िक्स है वो, ज़बरदस्त साइंसदान जिसने दुनिया को एक थियोरी दी, द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। उसका जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है, और उसकी बदौलत बहुत सारे फिजिक्स के कैलकुलेशंस किए जाते हैं। उसने ये बताया, आइंस्टाइन ने ये बताया कि, और साबित किया उसने कि मादा, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, तवानाई यानी एनर्जी, कशिश यानी ग्रेविटी, जमान यानी टाइम, और मकान यानी स्पेस, ये पांच चीज़ें, मैटर, एनर्जी, ग्रेविटी, टाइम एंड स्पेस, ये पांच चीज़ें, इनमें एक ख़ास रब्त है, एक ख़ास मेल है, एक ख़ास निस्बत है, एक ख़ास ताल्लुक है, दे आर रिलेटेड। ज़माने से वक्त, वक्त से ग्रेविटी, ग्रेविटी से स्पेस, स्पेस से तवानाई, ये सब चीज़ें एक दूसरे से मरबूत हैं, मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। उसने ये भी साबित किया कि इन सब चीज़ों की मुतलकन कोई हैसियत नहीं है, दे डोंट हैव एनी एब्सोल्यूट वैल्यू, इनकी हैसियत इजाफी है। अब इसको समझाऊंगा मैं आपको, आप भाग उठ के भाग मत जाइएगा, कुछ ज़्यादा तो आपको मुश्किल में नहीं डाल रहा हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि कितना अमेजिंग है ये मेराज का कंसेप्ट। रिलेटिव चीज़ें, अब रिलेटिव क्या, इजाफी क्या, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं। देखो एक बात मैं आपको समझाऊं, ये दो चीज़ें आपके सामने हैं, ये क्या है, मोबाइल है, ये क्या है, इसका पावर बैंक है, चार्जर है, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है? जी मोबाइल बड़ा है और चार्जर छोटा है। आपको ये कैसे पता चला कि ये बड़ा है? अगर ये यहां ना होता तो आप इसको बड़ा ना बोलते। कोई छोटी चीज सामने है तब बड़ा बड़ा नजर आता है, आप समझ रहे हैं ना? तो लंबाई की अपनी हैसियत नहीं है, वो किसी के कंपैरिजन में लंबा नजर आएगा कोई या कोई छोटा नजर आएगा, इसको कहते हैं इजाफियत, इसको कहते हैं इजाफियत। जैसे एक किलो गेहूं कहीं रखा हुआ है और आधा किलो चावल कहीं रखा हुआ है, ज्यादा कौन है, ज्यादा स्पेस कौन घेरेगा, एक किलो या आधा किलो? लेकिन अगर सिर्फ एक ही किलो रखा हुआ होगा तो आप उसको मुआजना नहीं कर सकेंगे, कोई चीज सामने चाहिए, इसको कहते हैं इजाफियत, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी एक अलग चीज है, लेकिन उसकी बुनियाद इस पर है कि हर चीज जो है ना वो इजाफी चीज है, इनकी अपनी कोई मुतलक हैसियत नहीं है, समझ रहे हैं? अब फिजिक्स कभी पढ़ाएंगे ना सर तो उनको ये मिसाल देना। इसीलिए एक चीज पते की बात मैं आपको बताऊं, कोई अगर तरक्की कर रहा है ना तो लोग उसको छोटा करने के लिए उसको काटने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसको काट के उसको छोटा करो, आप बड़े बन जाओ वो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। बोलिए ना, तड़प के बोलिए। अगर कोई इल्मी तरक्की कर रहा है और आप बिला वजह हसद करके मरे जा रहे हैं, फायदा क्या है? आप उससे ज्यादा इल्म हासिल करो, खुद ही छोटा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं लेती हमारी कौम कि हम आगे बढ़े, फला ने ये किया, फला ने ये किया, वो गिर जाए, क्यों उसके गिरने की तमन्ना करते हैं? आप अपने उठने की तमन्ना कीजिए, उठ बांध कमर, क्यों डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। मेरी कौम के नौजवान, उठ के खड़े हो जाओ, जब तुम खड़े हो जाओगे तुम ऊंचे नजर आओगे, जो बैठा है वो नीचे नजर आएगा, लेकिन तुम्हें उठना होगा, और मेराज उठने ही का नाम है, मेराज बुलंदी ही का नाम है, मेराज उरूज ही का नाम है। लेकिन यहां उरूज
अल्लाह ने बंदगी में रखा है, झुकने में रखा है, और इसीलिए मेराज का तोहफा सजदा ही लेकर के आया है। मेराज में हुजूर सजदा ही लेकर के आए, नमाज लेकर के आए, जिसमें सबसे ज्यादा कुर्बत अल्लाह से जब होगी तो झुकने में होगी, सजदे में होगी। क़याम में तो होगा, लेकिन अल्लाह अपने अपना बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, सब ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? मुझे आपका जोश चाहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं इस तालाब को समंदर बना देना चाहता हूं आपकी सुभान अल्लाह की गूंज से, फरिश्तों के परों से ढक गया है ये पूरा साहिबान बन गया, बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए, पीछे वालों आगे वालों पूरी ताकत के साथ, अल्लाह सलामत रखे मेराज मनाने वालों को। मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में, इंटरेस्टिंग वाकया में अपना आपको बताऊं, यही इजाफियत के ताल्लुक से कि हर चीज इसकी अपनी कोई असल नहीं है, उसकी किसी कंपैरिजन में अल्लाह ने पहले नबियों को भेजा, आखिर में अपने महबूब को भेजा, ताकि सबको पता चले कि सैयदुल अंबिया कौन है। बोलो ना, और महशर में भी यही होगा। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वो इधबू इला गैरी नहीं सुना आपने? लोग जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो कहेंगे इधबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मेरे पास नहीं। ऐसे दर्जा बदर्जा अंबिया इकराम के पास होते होते मेरे आका के पास आएंगे, मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, मैं हूँ इसके लिए, तुम्हारी शफात के लिए मैं हूँ, अना लहा। तो क्या ज़रूरत थी इतने दर पर भटकाने की और फिर मुस्तफ़ा की बारगाह में ले जाने की? डायरेक्ट क्यों नहीं ले गए? ताकि हुजूर का मर्तबा पता चले कि जहाँ किसी की नहीं सुनी जाती वहाँ मुस्तफ़ा जो बोलें, अल्लाह फरमाता है महबूब शफात करो कबूल की जाएगी। बोलो ना मोहब्बत से, ज़रा तड़प के बोलो, तड़प के बोलो, मोहब्बत से झूम के बोलो। भिवंडी वालों का आपका जो मिसाली जज्बा है, उस जज्बे की ताकत के साथ बोलो अल्लाह सलामत रखे मेराज मनाने वालों को। हम मीलाद भी उसी जोश से मनाते हैं और मेराज भी उसी जोश से मनाते हैं, क्योंकि मीलाद नूर के आने का बयान करता है और मेराज नूर के खुदा की बारगाह में जाने का बयान करता है। वहाँ नूर आने की बात होती है, यहाँ नूर के जाने की बात होती है, नूर का आना जाना, सुभानअल्लाह। तो मैं एक दिन अफ्रीका से फ्लाइट में वापस बम्बई आ रहा था, इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी, आई थिंक 1997 की बात है, और फ्लाइट या तो अदीस अबाबा में चेंज करनी पड़ती है या केनिया में चेंज करनी पड़ती है, नैरोबी में, या दारुस्सलाम में चेंज करनी पड़ती है, ताकि डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ से नहीं आती, वाया आती है। तो ये जो इथियोपिया है ना, ये हबशा है, हबशा, और अदीस अबाबा जो शहर है हज़रत बिलाल हबशी का, मैं जब वहाँ उतरा तो मुझे याद आई उनकी, मैंने फातिहा पढ़ा उनका, सुभानअल्लाह। जब हम तहरीक से वाबस्ता होते हैं ना, तो जिस भी शहर में जाएंगे तो उनकी उसकी तारीखी हैसियत हम इस्लामी नज़र में ढूंढते हैं, कि यहाँ कोई सहाबी तो नहीं आए थे, यहाँ किसी वली का मज़ार तो नहीं है। ये फ़िक्र तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से मिली है कि जब आसार को देखते हैं, कराइन को देखते हैं, तो अल्लाह की निशानियों को याद करते हैं। खैर, जब फ्लाइट नॉर्मल हुआ तो मैंने फ़्लाइट अटेंडेंट से, पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने कहा यस, टेल मी। मैंने कहा आई वॉन्ट टू गो टू द कॉकपिट एंड मीट द पायलट, मैं पायलट को मिलना चाहता हूँ जो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, तो कॉकपिट के अंदर जाके देखना चाहता हूँ कि वो कैसे फ्लाई करते हैं। उसने कहा सर आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू लेट यू इन, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन आई विल गो एंड आस्क हिम, इफ़ द पायलट परमिट्स देन आई विल लेट यू गो, मैं पूछूंगा कैप्टन से, अगर कैप्टन ने कहा कि ठीक है तो अब जाइए। वो जाके जब आए तो हैरत की बात थी, कैप्टन ने कहा भेज दो उनको, और मैं चला गया। अल्लाह जब काम लेना चाहता है तो क्या क्या मंसूबे बन जाते, मंसूबे नहीं बनते, वो रास्ते ही बन जाते हैं, मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। अब बिलीव करेंगे, उन्होंने मुझे परमिट किया और मैं
कैप्टन एंड फर्स्ट ऑफिसर, इसके बीच में 45 मिनट बैठा फ्लाइट में, और मैं उनसे गुफ्तगू करता रहा, इंग्लिश पे बातचीत की मैंने उनसे। उन्होंने मुझे देखा तो पूछा उन्होंने क्या करते हो, मैंने कहा मैं साइंस टीचर एंड आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दिस फ्लाइंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द कॉकपिट सो दैट आई कैन गो बैक टू माई स्कूल एंड टेल माई स्टूडेंट्स सी आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन द पायलट सीट। मैं ये बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को स्कूल में जाकर, हाशमिया हाई स्कूल में या जहाँ कहीं भी मैं पढ़ाऊँ, कि वहाँ मैंने ये एक्सपीरियंस तजर्बा लिया है और पायलट के साथ मैं बैठा हूँ और हवाई जहाज इस तरह से फ्लाई करते। बातचीत होती रही, बड़ी खुशी से वो जवाब देते रहे, मैंने कई सवाल उनसे पूछे। एक सवाल मैंने उनसे ये किया कि सर आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, मैं आपसे ये पूछना, अभी इस टॉपिक पर मैं आऊँगा, इसी से रिलेशन है इसका। मैंने पूछा कि जब हम टेक ऑफ करते हैं, हवाई जहाज जब उड़ता है, उस वक्त तो हमको लगता है कि वो चल रहा है, या लैंडिंग करते हैं उस वक्त तो हमको लगता है कि वो उतर रहा है, मगर जब वो ऊपर होता है 37,000 फीट पे, 40,000 फीट पर, तो उस वक्त वो ऐसा लगता है कि खड़ा ही है, न हिलना डुलना न कुछ, न सफर तय हो रहा है, बस आंख बंद करके देखो तो खड़ा ही है, तो पहुंचता कैसे है जब इट्स नॉट फ्लाइंग, इट इज एक्चुअली फ्लाइंग बट वी डोंट फील इट इज फ्लाइंग, हमको लगता नहीं कि वो फ्लाई कर रहा है, तो ये हम पहुंचते कैसे है, जाता कहां है, कैसे ऐसा क्यों होता है कि हमको एहसास ही नहीं होता कि ये उड़ रहा है। पायलट मुस्कुराया, कैप्टन, उसने कहा वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, एंड कीप लुकिंग आउटसाइड, और खिड़की से बाहर देखते रहो, विंड स्क्रीन के बाहर देखते रहो। मैं बाहर देखता रहा, थोड़ी देर के बाद एक बड़ा सा बादल का टुकड़ा आया, और वो बादल खिड़की के करीब से ज़िप ऐसे निकला फट से। तो उसने कहा डिड यू नोटिस, तुमने देखा अभी क्या लगा तुमको, मैंने कहा अब मुझे लगा कि ये चल रहा है। उसने कहा इसलिए नहीं तुमको लगता है कि जब तक कोई चीज नहीं होगी ना सामने, उस वक्त तक रफ्तार महसूस नहीं होती। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी, कि कोई चीज, आप देखिए गाड़ी में आप बैठे हैं रास्ते पर तो ऐसा लगता है बिल्डिंग चल रही है, ऐसा लगता है दरख्त चल रहे हैं, तो क्या दरख्त चलते हैं, नहीं गाड़ी चलती है, और वो दरख्त की वजह से हमें उसकी रफ्तार महसूस होती है। तो ये इजाफी है चीज, इसकी अब्सोल्यूट कोई हैसियत नहीं है, वो इजाफियत है। शायद फिजिक्स की क्लास में अभी आपको अच्छा समझ में आएगा इंशाल्लाह, आप सर को समझा दोगे, यस और नो? अरे हाँ तो बोलो, जरा अपने अंदर जज्बा पैदा करो पढ़ने का, इंशाल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। तो इसने ये साबित किया, और उसकी वजह से उसने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि कायनात के मुख्तलिफ मकामात पर, अलग अलग जगहों पर, वक्त और फासला दोनों के नापने में, पैमाइश में कमी ज्यादती हो सकती है। एक ही फासला कहीं कम आएगा, एक ही वक्त कहीं दूसरी जगह कम वक्त लगेगा, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। उसने ये भी समझाया कि रोशनी की जो रफ्तार है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो है 300,000 किलोमीटर फी सेकंड। एक सेकंड में रोशनी जो है ना, ये 300,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। सूरज हमसे करोड़ों मील की दूरी पर है, मगर उसकी रोशनी सिर्फ 8 सेकंड में जमीन पर पहुंचती है। इस पर भी सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, ये किसकी कुदरत है, बोलो हाथ उंगली इशारा करके बोलो अलशहादत दो, किसकी कुदरत है? ये अल्लाह की कुदरत है कि सूरज की रोशनी हम तक कितनी देर में पहुंचती है, 8 सेकंड में पहुंचती है, और पूरी ज़मीन उससे लिटअप हो जाती है, और पूरी ज़मीन को तवानाई मिलती है, सोलर पावर मिलती है। अब सऊदी अरेबिया को ये अंदाज़ा हो गया है कि उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो अब दूसरे अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी और बिजनेस की तरफ, अब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं पहले तो उमरा जाने वालों को जिद्दा मक्का मदीना इसके अलावा कहीं जाने नहीं देते थे, अब बोलते हैं कि उमरा के साथ टूरिस्ट वीज़ा भी लगाएंगे, ताइफ जाना है तो जाओ, इधर जाना है तो जाओ, उधर जाना तो जाओ, घूमो फिरो, पैसा हमको दो वापस जाओ। ये स्कीम अभी आने वाली है कुछ दिनों के अंदर, तो आप लोग सैर कर सकेंगे, जाएंगे ताइफ जाएंगे तो मेरे आका जहाँ तशरीफ फरमा हुए थे वो पत्थर भी आप देखेंगे। सुभान अल्लाह, बोलिए ना, तड़प के बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। लेकिन उसने ये कहा कि किसी भी मादी जिस्म के लिए, मटेरियल चीज के लिए, हम लोग मादा हैं, ये एक मादा है, ये एक मादा है, मटेरियल है, ऐसे जिस्म के लिए रोशनी की रफ्तार को हासिल करना, कितनी रफ्तार रोशनी की अभी बताया मैंने, 300,000 किलोमीटर फी सेकंड, पर सेकंड, इसको हासिल करना नामुमकिन है।
उसने कहा ये अब आइंस्टाइन कह रहा है, अब मेराज पे आऊंगा मैं। उसने कहा कि 3,00,000 किलोमीटर की रफ्तार पर सेकंड हासिल करना किसी भी मादी जिस्म के लिए नामुमकिन है, और एक जिस्म जब दो मुख्तलिफ रफ्तारों से हरकत करता है तो उसका हजम वॉल्यूम उसी तनासुब से या तो घटता है या बढ़ता है। अगर उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी तो उसका हजम जो है कम होगा, और अगर रफ्तार कम होगी तो उसका हजम बढ़ेगा, ये आइंस्टाइन कहता है। फिर उसने ये कहा कि इंतहाई तेज जब कोई जिस्म चलेगा, अब हुजूर से तेज कोई नहीं गया इसको याद रखिए, क्योंकि रोशनी की रफ्तार की वो बात कर रहा है, और हुजूर किस पर सवार थे? बुर्राक पर। बुर्राक और बर्क का बड़ा रिश्ता है, बुर्राक और बर्क, ये बर्क बुर्राक ही से मुश्तक है, बुर्राक ही से ये तसव्वुर मिला है इलेक्ट्रिसिटी, और बर्क की रफ्तार रोशनी की रफ्तार, बुर्राक की रफ्तार तो ये जो रोशनी की रफ्तार या बर्क की रफ्तार बताई जा रही है उससे करोड़ों गुना ज्यादा, वो कितने गुना हमको नहीं पता, उस पर हुजूर सवार है। अब इसका ये कहना है कि किसी भी जिस्म के लिए रोशनी की रफ्तार को हासिल करना मुमकिन नहीं है। हुजूर रोशनी क्या, रोशनी की भी रोशनी की रफ्तार से आगे बढ़ चुके हैं, उससे भी आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए अब दुनिया में कोई भी और तरक्की करने वाला आप आला कितना भी बनाएंगे हुजूर से आगे नहीं जा सकता, मुस्तफा से आगे नहीं जा सकता, ये उनका मौजजा है, कयामत तक कायम रहेगा, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। पढ़ने वालों पढ़ो, साइंस पढ़ने वालों साइंस पढ़ो, लेकिन कुरान पढ़ो, मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ो, मेराज का मौजजा देखो, और दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जलवों को शुमार कर लो, सब मिलकर, सब मिलकर, सब मिलकर, और तड़प कर, और मोहब्बत से। तो अब उसने कहा अगर कोई जिस्म रोशनी की 90% भी रफ्तार हासिल कर ले, 100% तो नहीं कर सकता, मगर अगर 90% वो रफ्तार हासिल कर ले तो उसकी कमियत है ना, उसका मास वो दोगुना हो जाएगा, और उसका हजम उसका वॉल्यूम आधा रह जाएगा, और उसके साथ ही साथ वक्त की रफ्तार भी उस पर आधी हो जाएगी। अब देखिए हुजूर पलक झपकते गए हैं ना, तो ये कहता है रोशनी की रफ्तार अगर पकड़ा 90% तो वक्त आधा रह जाएगा। अब रोशनी 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 मल्टीपल तो वक्त रुक गया ना, बोलिए ना मोहब्बत से बोलो, वक्त थम गया ना, सरकार तशरीफ ले गए, जंजीर जहां थी वहां थी, बिस्तर गर्म था तो गर्म था, वापस आए तो जा सारी चीजें जैसी थी वैसी थी, वो एक्चुअली कैसा हुआ वो अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर यहां से हम लें तो ये मुमकिन है कि मेरे आका के लिए वक्त की रफ्तार को भी थमा दिया गया हो, और हुजूर सैर कर रहे हैं, सारी कायनात चुप हो गई है और उनके आने का इंतजार कर रही है, उनकी तशरीफ आवरी का इंतजार कर रही है। साइंस और इस्लाम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए पढ़िए, क्योंकि हुजूर पर पहली वही यही आई, पढ़ो इकरा, पढ़ो इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इसकी गहराई में जाइए, कलम भी का भी जिक्र है वहाँ पर, और खून की फुटकी का भी जिक्र है वहां पर, बायोलॉजी का जिक्र है, साइंस का यहां भी जिक्र है, पढ़ने का जिक्र है, साइंस का है, और लेकिन रब के नाम का सबसे पहले जिक्र है। तो वो तालीम जैसे हीरा इंग्लिश स्कूल में हो रही है, जैसे हमारे अलबरकात में हो रही है, जैसे सुफा में हो रही है, कि वहां इकरा भी है और रब का नाम भी है, कि एक तरफ साइंसदान भी है दूसरी तरफ हाफिज कुरान भी है। बोलिए ना मोहब्बत से बोलिए, हीरा इंग्लिश स्कूल है, सामने जामिया हीरा भी है, और सर झुकाने का वक्त आया तो मस्जिद भी है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्पैक्ट पैकेज है सुन्नी दावत इस्लामी, कि आपको एक्सप्लोर करने से नहीं रोकती, आप परवाज कीजिए लेकिन मेराज को न भूलिए, वो इंतहा है हमारी कि हुजूर के कदमों तक पहुँचे, अर्श से नूर चला और हरम तक पहुँचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुँचा, तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा। लोग कहते हैं कि लौहो कलम तक पहुंचा, ये तो लौहो कलम की मेराज है कि उनको हुजूर के कदमों का बोसा नसीब हुआ, हम तो ये कहते हैं कि तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने, तुम मदना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा,
और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साथ नहीं दोगे? सल्लल्लाहु अलैका या रसूल। बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। और झूम के बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش اعظم پہ گئے شاہ امم آج کی رات، عرش اعظم پہ گئے شاہ امم آج کی رات، فرقتوں کو بھی ہوا وصل بہم آج کی رات، فرقتوں کو بھی ہوا وصل بہم آج کی رات۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سورہ نجم کی تفسیر سے واضح یہ ہوا، سورہ نجم کی تفسیر سے واضح یہ ہوا، حق نے فرمائی شہیدی کی قسم آج کی رات، حق نے فرمائی شہیدی کی قسم آج کی رات، عرش اعظم پہ گئے شاہ امم آج کی رات، صرف یہ سوچ کے عرش بری جھوم اٹھا، صرف یہ سوچ کے عرش بری جھوم اٹھا، آئیں گے مجھ پہ شہیدی کے قدم آج کی رات، آئیں گے مجھ پہ شہیدی کے قدم آج کی رات، عرش اعظم پہ گئے شاہ امم آج کی رات۔ بولیے نا، بولیے نا، اور بولیے نا، بولیے نا، سنو 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 دھیان سے، حق نے رضوان سے کہا آئے گا محبوب میرا، حق نے رضوان سے کہا آئے گا محبوب میرا، خوب آراستہ کر باغ ارم آج کی رات، خوب آراستہ کر باغ ارم آج کی رات، عرش اعظم پہ گئے شاہ امم آج کی رات، عرش و کرسی ہی نہیں دیکھ کے آقا کے قدم، عرش و کرسی ہی نہیں دیکھ کے آقا کے قدم، وجد میں آ گئے خود لوح قلم آج کی رات، وجد
हाथ में आ गए खुद देख खुद लो कलम आज की रात बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 जब के सरकार मदीना से मोहब्बत है हमें जब के सरकार मदीना से मोहब्बत है हमें जश्न मेराज मनाए न क्यों हम आज की रात जश्न मेराज मनाए न क्यों हम जिनका मेराज पे ईमान है मुशाहिद पुख्ता जिनका मेराज पे ईमान है मुशाहिद पुख्ता सर तस्लीम कर क्यों न वो खमखाज की रात अर्श आजम पे गए शाहे उमम आज की रात फुर्कतों को भी हुआ बस ने बहम आज की रात जी पहले गाए जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह सलामत रखे सब मिलके बोलिए अल्लाह सलामत रखे। तो हम ये बात कर रहे थे कि उसका ये कहना है कि किसी भी जिस्म के लिए रोशनी की रफ्तार का हासिल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये हुजूर की बारगाह है कि यहाँ नामुमकिन भी मुमकिन हो जाया करता है। और ये कुदरत अल्लाह की है। अल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जो ले गया। तो इसका इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ले जाने वाला कौन है? अल्लाह है। रोशनी भी उसने बनाई, हवा भी उसी ने बनाई, ज़मीन भी उसने बनाई, कायनात भी उसी ने बनाई, उसको जैसा चाहे चलाए, जिसके लिए चाहे मुसख़र कर दे। जब हाथी को हमारे लिए मुसख़र कर सकता है तो रोशनी और रफ्तार को हुजूर के लिए मुसख़र कर दे तो कौन सी बड़ी बात है। सब मादा ही तो है, सब मटेरियल ही तो है। हवाई जहाज़ को हमारे लिए मुसख़र कर दी, इसलिए हम कहते हैं सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हादा, पाक है वो जिसने हमारे लिए मुसख़र किया इसको। तो इसको तो हम मानते हैं कि अल्लाह ने कई चीज़ें हमारे लिए मुसख़र कर दी हैं। तो जिसके लिए सारी कायनात को बनाया, उनके कदमों में सब ला के रख दिया, सब अता फरमा दिया। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है बोलिए ना, जान है तो आवाज़ आप दूर बैठे इसलिए नहीं आती क्या, या बोलते नहीं है? जान है तो जहान है, तो वो मुमकिन नहीं है। तो उसका ये कहना था कि अगर रोशनी की रफ्तार बिल फर्ज़े मुहाल उसके नज़दीक कोई जिस्म हासिल कर ले तो उस वक्त उस पर वक्त की रफ्तार बिल्कुल थम जाएगी, वक्त उसके लिए शून्य हो जाएगा और उसकी कमियत बढ़ते बढ़ते लामहदूद हो जाएगी, उसका हजम सुकड़ कर बिल्कुल फना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और जिस्म फना हो जाएगा। ये आइंस्टाइन की थ्योरी है, इसलिए नामुमकिन। मगर सफ़र मेराज में
अल्लाह की आदत का ये निज़ाम, निज़ाम फितरत, ये सब निज़ाम फितरत है। देखिए निज़ाम फितरत ये है कि जहाँ पेड़ नहीं होते वहाँ बारिश नहीं होगी। अल्लाह ने समंदर बनाए, वाटर साइकिल आपने पढ़ा है, भाप बनती है, आसमान पे जाती है, पौधों के ऊपर से गुजरती है, उसकी आवाज़ वजह से ठंडी हवा लगती है, पहाड़ों से टकराते हैं बादल, फिर कंडेंसेशन होता है और बारिश होती है। ये निज़ाम फितरत है। लेकिन उसका निज़ाम कुदरत कभी कभी रेगिस्तान में सैलाब पैदा कर सकता है। राजस्थान में कहाँ दरख्त हैं लेकिन वहाँ वो बारिश बरसाता है। तो फितरत अलग है और कुदरत उसकी जब चाहे उसका इजहार वो खिलाफ फितरत भी कर देता है। कायनात को फितरत पे रखा है उसने, लेकिन उसके खिलाफ भी अगर वो चाहे तो कुदरत का इजहार हो सकता है उसकी। इसके लिए किसी सबब की ज़रूरत उसको नहीं होती, वो मुसब्बिबुल असबाब है। तो कुदरत के मजहर के तौर पर ये निज़ाम फितरत बदल गया। वक्त भी थम गया, जिस्म भी फना न हुआ, हजम भी जूं का तू बरकरार रहा। सरकार अली सलात तो तस्लीम ने बुर्राक की रफ्तार से मल्टीपल स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र किया, बैतुल मुकद्दस में नमाज अदा की, दौरान सफ़र खाया पिया, लामका की सैर की, अल्लाह का दीदार किया, जन्नत और जहन्नम का मुआयना किया, अंबियाए कराम से मुलाकातें की, नमाज का तोहफा लिया और कम कराया, बार बार आते गए कम कराया, 5 नमाजें लेके वापस आए, और जब वापस आए तो थमा हुआ वक्त आपकी वापसी का मुंतजिर था। बोलो ना, कायनात इंतज़ार कर रही थी कि दूल्हा वापस आएगा तो हम फिर चलने लगेंगे। जब बारात निकलती है, दूल्हा रुकता है तो बारात रुक जाती है। उस वक्त तक बारात पलटती नहीं है जब तक के दूल्हा नहीं चलता है। शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। अब इसमें जो कुदरत के मज़ाहिर हुए उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताऊं। एक लफ्ज आपने सुना होगा तय, यौम नतवि समाअ कतय्यि सिजिल्लि लिलकुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। इसको अगर आप पढ़ें, जब नामे आमाल लपेटा जाएगा, उसको तय करना, लपेटना, समेटना किसी चीज़ को। एक होता तय मकानी, लाखों करोड़ों मील की वसतों में बिखरी हुई मसाफतों के एक जुम्बिश में कदम में सिमट आने को इस्तिलाहन तय मकानी कहते हैं। मसाफत सिमट जाए, फासला पलक झपकते कम हो जाए। एक होता है रफ्तार में जाना और एक होता है कि उसी चीज़ का सामने आना। दोनों तरह से पहुंचना मुमकिन है। मेरे पास अगर ताकत है कि मैं स्पीड से जाऊं तो वहां स्पीड में एक पलक झपकते मैं पहुंच जाऊं, या अगर अल्लाह की कुदरत ये जाहिर हो कि वो चीज़ ही सिमट के यहाँ आ जाए तो फासला ही सिमट जाए, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, वो चीज़ खुद मेरे कदमों में आ जाएगी। ये तय मकानी है। अब ये कुरान पाक से पहले भी साबित है। मैंने कुछ आयतें इसके ज़िमन में कुरान पाक से जमा की हैं और उनको मैं पढ़ के आपके सामने सुनाता हूँ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल-उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरीके से मैं दुरूद शरीफ पढ़ा उस तरीके से मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, वाला अलिका वसाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलकर पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह,
वसल्लम अलैका हबीबुल्लाह। आखरी उम्र में क्या रास नगे दुनिया देखूं, आखरी उम्र में क्या रास नगे दुनिया देखूं, मौला अब तो बस दो